तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग की जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने माँ रेणुका संजीवनी क्लिनिक नौगांव से करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, आज जो है 24 जून देवराना मंदिर का भव्य मेला होने जा रहा है रुद्रेश्वर महादेव जी का, जो कि 65 गाँव के आराध्य देव हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको हल्की हल्की झलकियाँ जो है दिखाते रहूँगा, तो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, वीडियो में बने रहिए और वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को पूरा देखें, इसकी बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको जो बता दूं, जो रुद्रेश्वर महादेव जी हैं उसके चार मुख्य स्थान हैं नौगांव ब्लॉक में। सबसे पहले जो है बजलाड़ी है, तिरतियाँ है, फिर त्योलसारी है, फिर कंडाव है। ये मुख्य चार स्थान हैं जो कि कल जो है बजलाड़ी में रुद्रेश्वर महादेव जी विराजमान थे, वहाँ से जो है गर्भगृह से वो कल बाहर आकर और आज जो है देवराना मंदिर में वो सभी श्रद्धालुओं को जो है दर्शन देंगे। तो दोस्तों उसी मेले में हम आज जाने वाले हैं, आपको वहाँ पर खूब अच्छी अच्छी सीनरियाँ आपको दिखाने वाले हैं। वहाँ के देवदार के घने जंगलों में बसा हुआ एक प्यारा सा मंदिर है। तो दोस्तों अगर बात करें रूट की, तो दोस्तों नौगांव से मात्र 7 से 8 किलोमीटर जो है गाड़ी का रास्ता है, और उसके बाद जो है मुझे लगता है 7 से 8 किलोमीटर पैदल यात्रा इस मंदिर को तय करने में लग जाता है। दोस्तों जितने भी हमारे पर्यटक लोग हैं, जितने भी हमारे यात्रीगण लोग हैं, तो आइए और इस मेले का आनंद लीजिए। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हुए इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो चलिए गाइस लेट्स गो। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। दोस्तों ये व्यू आप चेक कर सकते हैं, आज हम जा रहे हैं देवराना मंदिर अपने दोस्तों के साथ। हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं रिंकेश रावत, देख सकते हैं, और ये साथ रोहित विश्वकर्मा जी जुड़ चुके हैं। तो भाई आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो अभी, कहाँ जा रहे हैं आप? देवराना मेले में जा रहे हैं। थोड़ा जोर से बोलो। जा रहे हैं पहुंचे हैं। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ से बिंची से मटेरियल छानी पड़ती है ऊपर। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ से यहीं तक है थोड़ा चढ़ाई वाला रास्ता जी, सीधा रास्ता पड़ता है जी जी। और देवराना जा रहे हैं आज जी जी। वहाँ पर हमारे रुद्रेश्वर महादेव इष्ट महादेव उनका वहाँ पर एक मंदिर है, पौराणिक मंदिर, वहाँ पर बहुत बड़ा मेला होता है प्रत्येक वर्ष। तो इस बार हमारा जो रवाई घाटी में नौगांव परकोट वाले एरिया में जुड़ेगा, लगभग 30-35 गाँव है इस एरिया में, तो इस एरिया में घूमेगा इस बार देवता जी जी। बहुत आप आइए, आपका स्वागत है जो जो आना चाहते हैं जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित विश्वकर्मा जी। आप और हमारे जेबी भाई पधार चुके हैं। तो हम भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? अरे चलते हैं जरा, कहाँ तक पहुँचते हैं, कहाँ पहुँच, कहाँ आपका लक्ष्य, कहाँ जाने का? तो बोला इनके क्या छानी की कौन सा मिला है तेरा, छानी का बगीचे का मिला? अरे इनके बगीचे के मिले। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो मिलते हैं। तो दोस्तों ये क्वाड़ी से 1 किलोमीटर थोड़ा आगे है ये पानी, क्या नाम है भाई इस पानी का? क्वाड़ी का पानी है, मोला पानी। यहाँ पर इसे देख सकते हैं, मोला पानी बोलते हैं इसको, आप इसको पढ़ सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। और ये पानी आप रिस्क में पी सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है कीड़े मकोड़ों का जाल बना हुआ है आगे, लेकिन पानी बहुत ठंडा है, आप इसका आनंद ले सकते हैं। तो रिंकेश भाई आपको कैसा लगा पानी पी के? बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया, आनंद में पानी हो रहा है। अच्छा, तो चलो फिर आगे चलते हैं, फिर आगे का नज़ारा आपको दिखाते हैं।
तो दोस्तों हम फाइनली जो है सिहोरी में पहुंच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं नरसिंह देवता का मंदिर है, सन 1993 का ये बना हुआ मंदिर है। देख सकते हैं आप यहाँ का नज़ारा। तो आप देख सकते हैं हम सिहोरी मार्ग में पहुंचे हैं, सिहोरी बगीचे में। आप देख सकते हैं आपका गार्डन काफ़ी सुंदर है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। दोस्तों ये जो है उत्तरकाशी में सबसे ज़्यादा यहाँ पर सेब का उत्पादन किया जाता है इस रमाई घाटी में, देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं नौगांव सिहोरी का ये नज़ारा, काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा है। ये हमारे साथ यहाँ पर देख सकते हैं रिंकेश रावत जी हैं और हमारे जेपी लॉ जी हैं। ये इनकी यहाँ पर जो है छान है, आप देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है सेब के ऊपर ये जालियाँ लगाई हुई है ताकि कोई बंदर और कोई चिड़िया वगैरह इन पर टच ना कर सके। तो काफ़ी सुंदर नज़ारा है। तो दोस्तों इसके आगे ये वाला रूट जो जा रहा है ये देवराना मंदिर के लिए जा रहा है, इसी रूट पे अभी हमको जाना है और आपको भव्य मंदिर का दर्शन कराने वाले हैं। तो कहीं मत जाएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। काफ़ी सुंदर नज़ारा है, आप चारों तरफ देख सकते हैं यहाँ पर देवदार के, चारों तरफ यहाँ पर आपको पेड़ ही पेड़ दिखेंगे देवदार के, आप देख सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम पहुँच चुके हैं उस लक्ष्य की ओर जो लक्ष्य हमने तय करना था, देवराना मंदिर आप देख रहे होंगे यहाँ पर। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बस चंद मिनटों की देरी है, जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे प्रिय मित्रों के साथ। देख सकते हैं आप, I'm not afraid of the dark.
तो दोस्तों ये जो मैं आपको एरिया दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ से ये मैं दिखाने जा रहा हूँ, शायद उंगली में जा रही है, ये जो रास्ता जा रहा है, ये रास्ता सीधे नौगांव की तरफ जा रहा है। ये जो आप लास्ट छोर देख रहे होंगे, ये नौगांव शहर है। आप देख रहे हैं वहाँ पर जो है यमुना नदी का जो है बहाव हो रहा है। और ये जो आपको गाँव दिख रहा है ये वाला, ये शायद कोटियाल गाँव है। तो दोस्तों हम अभी, हमारा जो लास्ट ट्रक है, हमें अभी नीचे जाना है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बने रहिए, धन्यवाद। तो दोस्तों आज के इस वीडियो की एंड यहीं करते हैं। तो दोस्तों वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।